क्या आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं? फिर खबर आपके लिए है क्योंकि इस समय भारत की सबसे बड़ी आबादी फोन की दीवानी है और दिन रात उसमें मैसेज करना, नए नए वीडियो को अपलोड करना और उसमें सेव करके रखना उनकी प्राथमिकता हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्वे सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि आपके फोन में रखा हुआ हर मैसेज, आपके फोन में लोड किया हुआ हर वीडियो और आपके फोन में चैटिंग किया हुआ हर प्रकार की जो तस्वीर है, ये सारा कुछ जासूसी ऐप के द्वारा दूसरे लोग देख सकते हैं। इसमें ये चीजें भी सामने आई है कि आपका पासवर्ड और स्क्रीनशॉट, वीडियो, ये सारे कुछ ऑटोमेटिकली दूसरे कंपनी के ऐप इस प्रकार से बनाए ही गए हैं कि जब आप बात करते हैं या पासवर्ड यूज करते हैं बैंक के लिए या अपने मोबाइल के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीनशॉट दूसरे ऐप में दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो घर से बैठ करके आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप और आपके नंबर का प्रयोग कर सकता है। जाने अनजाने में ही सही आप कुछ अपने जीवन के पर्सनल मैसेज को जरूर रखते होंगे, लेकिन ये मैसेज जल्द ही वायरल हो जाती है। लोगों को अंत में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के कारण सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। हमारी उन लोगों से खास अपील होगी कि अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड फोन में कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज को न रखें और न ही फोन पर लोगों से घंटे आप कोई भी बात करें, यानी कि बिजनेस का सौदा हो या किसी भी प्रकार का दावा करना, झूठ या सच, सारी चीजें इस समय ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर के चलते भी रिकॉर्डिंग हो जाती है और ऐसे में बाद में आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके मोबाइल में जो भी वीडियो और मैसेज होता है, आपके मोबाइल से तो आपने उसे डिलीट कर दिया है, लेकिन वह दूसरे किसी के एंड्रॉइड फोन में सेव रहता है। इस प्रकार के अभी शॉर्ट्स हैं और इस प्रकार के ऐप हैं और सॉफ्टवेयर है कि आपके सारे नंबर ऑटोमेटिकली उन दूसरे लोगों के पास चले जाएंगे। अगर आपको बहुत सी नंबर की जरूरत महसूस नहीं होती है तो आप एक डायरी में लिख करके नंबर रखें और उसका यूज नंबर को करके बार बार आप करें तो इससे आप ट्रैप नहीं हो पाइएगा। साथ ही साथ अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी रहता है फिर भी आपकी डेटा चोरी हो जाती है, आपका लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि इतने ऐप इस समय में सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद हैं कि हर कुछ अब सॉफ्टवेयर के जमाने में संभव है। कई लोगों के अकाउंट से पैसा हैक करके निकाल लेना, उनकी पर्सनल चीज़ों को शेयर कर देना या फोटो अपलोड कर देना तो आम बात हो गया है। इसी प्रकार से फेसबुक में जब आप फ्रेंडशिप करते हैं तो लोगों के प्रोफाइल में जाने के बाद आपको अक्सर हर किसी का बड़ा नाम दिखता है जिसमें से 90% अकाउंट फेक होते हैं। ट्विटर ने खुद एक दो दिन पहले ही समाचार में आकर के बताया था कि उसने 7 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद कर दिए हैं। फेसबुक भी ऐसा ही विचार कर रहा है जिसमें कई लोगों ने अपना फर्जी पता दे करके और अपनी फर्जी प्रोफाइल बना करके फेसबुक में अपलोड कर दिया है और लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और फेसबुक पर दोस्ती करके अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। फेसबुक पर आप दोस्ती उन्हीं लोगों से करें जिन्हें आप स्कूल में, कॉलेज में या फिर नौकरी के दौरान जिनसे परिचय हुआ हो, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ों को आप शेयर मत कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप में अगर आप पर्सनल चीज़ों को एक बार शेयर कर देते हैं तो इससे आपकी जान की बाजी भी बाद में लग जाएगी और हो सकता है कि आपकी हत्या तक हो जाए। इसलिए कई कंपनी ने आगाह कर दिया है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन तो यूज कीजिए लेकिन कभी भी इसमें चैटिंग देर रात तक ना करें और ना ही इसमें कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को रखें। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको अगर लगता है कि ये सही कदम है कंपनी का तो आप यस या नो लिख करके जरूर भेजिएगा। अगर आपको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन को यूज करने में परहेज होना चाहिए, बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप उठाने की ज़रूरत है, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। एग्जाम्स को लेकर के जितनी भी महत्वपूर्ण टिप्पणी होगी, महत्वपूर्ण विश्लेषण होगा और जो समाचार सुर्खियों में होगा, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स एंड द स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी चीज़ें आएगी हम उस पर सटीक विश्लेषण करेंगे और आपकी समय भी बचेगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।